समाधि के सोपान अध्याय 16। ध्यान की घड़ियों में पुनः वह वाणी कह उठी, वत्स, तुम्हें शांति प्राप्त हो। ना तो इहलोक में ना परलोक में भय का कोई कारण है। सभी वस्तुओं को व्याप्त करता हुआ प्रेम का महाभाव विद्यमान है और उस प्रेम के लिए ईश्वर के अतिरिक्त और कोई दूसरा नाम नहीं है। ईश्वर तुमसे दूर नहीं है, वह देश की सीमा में बद्ध नहीं है, क्योंकि वह निराकार तथा अंतर्यामी है। स्वयं को पूर्णतः उसके प्रति समर्पित कर दो। शुभ तथा अशुभ तुम जो भी हो सर्वस्व उसको समर्पित कर दो, कुछ भी बचा ना रखो। इस प्रकार के समर्पण के द्वारा तुम्हारा संपूर्ण चरित्र बन जाएगा। विचार करो, प्रेम कितना महान है। यह जीवन से भी बड़ा तथा मृत्यु से भी अधिक सशक्त है। ईश्वर प्राप्ति के सभी मार्गों में यह सर्वाधिक शीघ्रगामी है। आत्मनिरीक्षण का पथ कठिन है, प्रेम का पथ सहज है। शिशु के समान बनो, विश्वास और प्रेम रखो, तब तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। धीर और आशावान बनो, तब तुम सहज रूप से जीवन की सभी परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ हो सकोगे। उदार हृदय बनो, शुद्र अहम तथा अनुदारता के सभी विचारों को निर्मूल कर दो। पूर्ण विश्वास के साथ स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। वे तुम्हारी सभी बातों को जानते हैं, उनके ज्ञान पर विश्वास करो। वे कितने पितृतुल्य हैं, सर्वोपरि वे कितने मातृतुल्य हैं। अनंत प्रभु अपनी अनंतता में तुम्हारे दुख के सहभागी हैं, उनकी कृपा असीम है। यदि तुम 1000 भूले करो तो भी प्रभु तुम्हें 1000 बार क्षमा करेंगे। यदि दोष भी तुम पर आ पड़े तो वह दोष नहीं रह जाएगा। यदि तुम प्रभु से प्रेम करते हो तो अत्यंत भयावह अनुभव भी तुम्हें तुम्हारे प्रेमास्पद प्रभु के संदेश वाहक ही प्रतीत होंगे। वस्तुतः प्रेम के द्वारा ही तुम ईश्वर को प्राप्त करोगे। क्या मां सर्वदा प्रेममयी नहीं होती? वह आत्मा का प्रेमी भी उसी प्रकार है। विश्वास करो, केवल विश्वास करो, फिर तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमसे जो भूले हो गई उनसे भयभीत ना हो। मनुष्य बनो, जीवन का साहस पूर्वक सामना करो। जो भी हो होने दो, तुम शक्तिशाली बनो। स्मरण रखो कि तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति है, स्वयं ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, फिर तुम्हें क्या भय हो सकता है। अभी यहीं अमरत्व के लिए संघर्ष करो, मन को प्रशिक्षित करो, वही एकमात्र महत्वपूर्ण कार्य है। जीवन का महान अर्थ तथा उद्देश्य ही वह है। यद्यपि जबकि आत्मा मानो हाड़ मांस के पिंजरे में आबद्ध है, तब भी अभी ही वह अवसर है जबकि देहात्म बुद्धि को जीतकर अमृतत्व का प्रदर्शन किया जाए। स्वयं को अमृतत्व का अधिकारी बनाओ। जिन्होंने देहात्म बुद्धि को त्याग दिया है, देवता भी उनकी पूजा करते हैं। मृत्यु केवल एक भौतिक घटना मात्र है। मन का जीवन बहुत लंबा होता है तथा आत्मा का जीवन असीम और अनंत है। तब यह कितना आवश्यक है कि तुम महान विचारों का मनन करो तथा इस प्रकार अपने आध्यात्मिक विकास को त्वरित करो। बाह्य वस्तुओं को त्याग दो। यदि कोई व्यक्ति समस्त विश्व को जीत ले तो भी उसे आत्म विजय करनी होगी। उसे स्वयं को जानना ही होगा, क्योंकि आत्मज्ञान ही जीवन का लक्ष्य है। ज्ञान या अज्ञान के रूप में यही वह लक्ष्य है जो जीवन को अर्थ देता है। यही वह लक्ष्य है जो जीने की प्रक्रिया तथा आत्म विकास का स्पष्टीकरण करता है। वही ज्ञान वास्तव में मूल्यवान है जो कि अंतरात्मा को उन्नति की ओर ले जाता है।
अतः वीरता पूर्वक स्वयं को आत्मज्ञान प्राप्ति के कार्य में नियुक्त कर दो। हो सकता है कि रास्ता लंबा हो, पर लक्ष्य के विषय में कोई संदेह नहीं है। सभी शब्दों को त्याग कर उसी के प्रति सचेष्ट हो जाओ जो कि सर्वोच्च है। अपने पैरों पर खड़े हो, यदि आवश्यक हो तो समस्त विश्व की अवज्ञा कर दो। अंततः कौन सी वस्तु तुम्हें हानि पहुंचा सकती है? परमात्मा के साथ ही संतुष्ट रहो। दूसरे लोग बाहरी खजाने की खोज में लगे हैं, तुम आंतरिक खजाने की खोज करो। समय आएगा जब तुम जान पाओगे कि समस्त पृथ्वी का साम्राज्य आत्मज्ञान की महिमा के सामने धूल के समान है। उठो, इस महत प्रयत्न के लिए कमर कस लो। हे महाप्राण, आओ, दिव्य जीवन ही तुम्हारी विरासत है। तुम्हारी संपत्ति को कोई चुरा नहीं सकता। तुम्हारी संपत्ति सर्वशक्तिमान आत्मा की है।